तुमने अपने घर पे क्या बताया? घर पे हम नहीं बताए, इसीलिए घर पे बताते हैं तो घर वाले नहीं जाने के। हम इसीलिए मिलना चाहते हैं, हम इनके बिना बहुत, हम हमारे बाबा हैं, इनके हम पालचारक हैं, हम उनसे समझवाजी पालते थे, बहुत हमको लगा है। कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने? अखिलेश यादव मिलने जा रहे हैं। बुलाया है उन्होंने? नेताजी के नाम से लोगों के दिलों में रहने वाले मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे, लेकिन उनके लिए दीवानगी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 10 साल का बच्चा नवरतन यादव अपने घर से 550 किलोमीटर दूर बिना बताए निकलता है, लेकिन इटावा तक आकर रास्ता भटक जाता है और कानपुर पहुंच जाता है। लेकिन इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कानपुर रेलवे स्टेशन पर बच्चे को जीआरपी ने रोका, जहां बच्चा खुद को समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक बताता है। जिसके बाद इस बात की जानकारी जैसे ही अखिलेश यादव को दी जाती है तो अखिलेश नवरतन को सैफई बुलाकर मुलाकात करते हैं और खाना भी खिलवाते हैं। बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद आखिरी बार देखने के लिए खुद बिना किसी को बताए नवरतन सैफई के लिए निकल पड़ा। वह इटावा तक पहुंच चुका था, लेकिन वहां बच्चे ने गलत ट्रेन पकड़ ली, जिसके बाद सैफई की जगह कानपुर आ पहुंचा। लेकिन जीआरपी की मदद से जानकारी मिलने के बाद सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी नवरतन को सैफई ले जाते हैं, जहां मुलायम सिंह यादव के अंत्येष्टि स्थल पर नवरतन यादव पहुंचता है और सपा संरक्षक को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। वहीं जब यूपी तक ने नवरतन यादव से इस मुद्दे पर सैफई पहुंचने से पहले बात की थी तो सुनिए उसने क्या कहा था। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद कई ऐसे लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं, लेकिन उसमें एक नाम है नवरतन यादव, एक छोटे से बच्चे का। और इसकी कहानी ये है कि यह यानी कि जब अपने घर से महाराजगंज से ट्रेन से उनसे मिलने निकल पड़ा सैफई के लिए, और लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सका। बीच में ही ट्रेन पर द ट्रेन चलता रहा, लेकिन वहां पहुंचा नहीं। जीआरपी ने उसको जब पकड़ा और पूछा कहां जा रहे हैं तो बताया कि नेताजी से मिलने। आखिर वो बच्चा जिसके बाद जब वीडियो वायरल होता है उसके बाद अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मिलने खुद इस बच्चे को बुलाते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है यूपी तक पे नवरतन यादव। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? नवरतन। ये बताओ क्या हुआ था, क्या तुमको पता लगा था, कहाँ रहते हो तुम पहले बताओ? हम रहते हैं नवरतनवा विधानसभा। अच्छा ये बताओ तुमको क्या पता लगा था और तुम कहाँ जा रहे थे? जा रहे हैं तो सही, उनको पता चला हमारे मुलायम सिंह यूनियन नहीं रहे तब यहाँ से अपने घर पे मिलने जा रहे थे। जी तुमने अपने घर पे क्या बताया? घर पे हम नहीं बताए, इसीलिए घर पे बताते हैं तो घर वाले नहीं जाने देते। ए भैया बोला, ए भैया ने उदास हैं बोले मत जाओ, इसीलिए हम इतने पूछे भाजी है। भाजी तो तुम ट्रेन से गए? हाँ। तो पहुँच क्यों नहीं पाए, फिर क्या हुआ रास्ते में? हम पहुँच गए थे इटावा, इटावा पहुँच के हमके फूल वाले ने जरा रास्ता बता दिया, कानपुर पहुँचे। कानपुर? हाँ। फिर क्या हुआ वहाँ पे? हम तो पता नहीं है, पूछे कहाँ पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कुछ, हम बोले तो मुलायम सिंह के घर पे जा रहे हैं, उतने बंद किया हमारे घर वाले से बुलाए उनके लोग। तो तुम ये बताओ तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे और ट्रेन से तुम निकल गए, तुम्हें पता लग रहा था कि तुम पहुंच जाओगे वहां, तुमको पता था ये? हाँ पता था, पहुंच जाएंगे बच्चे, हम तो जला लाते नहीं बचाए होते, हम पहुंच जाते। पहुंच जाते? अब जिनका देहांत हो गया है उनसे तुम्हें इतना लगाव क्यों है, क्यों मिलना चाहते थे? हम इसलिए मिलना चाहते हैं, हम इनके बिना बहुत, हम हमारे बाबा हैं, इनके हम पालचारक हैं, हम उनसे समझवाजी पालते थे, बहुत उनको लगाव है। तुम क्या बनना क्या चाहते हो आगे? आज यही बनना चाहता हूँ, हमारे बाबा जी हैं, हमारे भैया जी हैं, एक लोग का आशीर्वाद हो जाए तब हम भी नेता बनेंगे। नेता बनेंगे नेताजी की तरह? हाँ। तो नेताजी से तुम मिल नहीं पाए चूंकि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, चूंकि तुम नहीं पहुँच पाए, तो अब क्या है, अब कहाँ जा रहे हो? अब ये जा रहे हैं सही, हमारे भैया हमारे बाबा के, हमारे बाबा लिया जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने? अखिलेश यादव मिलने जा रहे हैं। बुलाया है उन्होंने? हाँ। तो क्या इससे पहले कभी अखिलेश यादव जिसे आपकी या मुलायम सिंह यादव जिसे कभी मुलाकात हुई इससे पहले? नहीं कभी नहीं। हमारे बाबा ने बोले थे हम उनको मुलाकात चलाएंगे, बुला दें हमारे बाबा हैं, ये भी हमारे बाबा हैं। अच्छा तो अब तुम्हें खुशी है मिलने जा रहे हो? छुट्टी क्या होती जो हो रहा है। ओके तो नेताजी नहीं रहे हमारे दुनिया में, नेताजी नहीं रहे। तो घर पे तुमने क्या बताया अपने? घर पे नहीं बताया।
अभी नहीं बताया। आज बताता है, बाबा ने फोन किया, हमारे भैया ने फोन किया कि उनको भेज दीजिए, अखिलेश यादव ने बुलाए हैं, बाबा ने हमारे घर पे गए लिया थे, हम तो आए हैं। अच्छा, करते क्या हो तुम ऐसे? पढ़ाई करते हैं और प्रचार करते हैं। किस क्लास में? पाँच। कानपुर से आशीष और सैफई से पुष्पेन चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।